नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाज न्यूज़ ऐप का इवनिंग बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय खास तौर पर जंक्शन के बाशिंदों के लिए सबसे अच्छी खबर के साथ। आज आखिरकार शहर के लोगों को गांधीनगर अंडरपास के रूप में ऐतिहासिक सौगात मिल गई। इससे दो हिस्सों में बटे जंक्शन के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अंडरपास के लिए गांधीनगर व आसपास के क्षेत्र के लोगों ने लंबा संघर्ष किया। जुलाई 2017 में अंडरपास की स्वीकृति जारी होने के बाद भी कई अड़चनें आईं, लेकिन आखिरकार अंडरपास का निर्माण पूरा हुआ। आज विधायक चौधरी विनोद कुमार और नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने अंडरपास का लोकार्पण किया। अंडरपास बनने के बाद जंक्शन मुख्य बाजार से जिला कलेक्ट्रेट तक जाने की राह आसान हो गई है। इस बात को आप इस नक्शे से समझ सकते हैं। पहले कलेक्ट्रेट तक जाने के दो लंबे रास्ते थे, एक जंक्शन ओवरब्रिज का रास्ता जहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी और दूसरा चूना फाटक जो कि लगभग बंद रहता था। अब अंडरपास शुरू होने से कलेक्ट्रेट और नगर परिषद कार्यालय का रास्ता करीब 3 किलोमीटर तक कम हो गया है। इससे न सिर्फ कीमती समय बचेगा बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 10 रेलवे लाइनों के नीचे बना बीकानेर संभाग का यह अब तक का सबसे लंबा अंडरपास है। करीब 300 मीटर लंबाई में बने गांधीनगर अंडरपास के निर्माण पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका निर्माण 15 सितंबर 2018 में शुरू हुआ था। काम पूरा होने की निर्धारित तिथि 14 सितंबर 2019 थी, लेकिन किसी न किसी वजह से देरी होती चली गई और अब आखिरकार काम पूरा होने पर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बहुत ही हर्ष का विषय है। शहर की जनता, गांधीनगर की जनता सौभाग्यशाली है कि आज उनके इस प्रकार का 300 मीटर लंबा अंडरपास मिला है, जो पीडब्ल्यू सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्शन अनिल अग्रवाल जी, गुरनाम सिंह जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के द्वारा अच्छी गुणवत्ता से बनाया गया है। नगर परिषद के द्वारा इस आर यू वी में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग लग चुकी है। इसके अलावा इस अंडरपास के दोनों तरफ भव्य रोड बनाई जाएगी, चौड़ी रोड बनाई जाएगी और उस पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सड़कों पर वाइट पट्टी लगाकर उस पर कैट आई लगाई जाएगी ताकि जनता को ऐसी रोड सुंदर लगे। यह शहर का मुख्य स्थल है, इस पर खूब आनी जानी होगी। कोर्ट के जो भी कोई वकील हैं और हैं सभी को सुगम रास्ता है ये जो मिनटों में तय हुआ। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। अब ग्राम सेवक की बजाय ग्राम विकास अधिकारी पद नाम को पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रतिस्थापित करने और 7 सूत्री मांगों में से 3 मुख्य मांगों को मानने पर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों ने आज टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के प्रांगण में आभार यज्ञ किया। जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। इसके तहत 30 जनवरी व 1 फरवरी को कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रधान, जिला प्रमुख व विधायक को ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपे गए थे। इसके बाद संघ के आह्वान पर फरवरी माह के हर शनिवार को सत्याग्रह यज्ञ करने का निर्णय लिया गया। अब 3 प्रमुख मांगें पूरी होने पर आभार यज्ञ का आयोजन किया गया है। अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर जी शर्मा के दिए गए निर्देशानुसार हमारे अभी 30 जनवरी से सत्याग्रह यज्ञ आरंभ किया गया है। उसके अकॉर्डिंग पिछले शनिवार को एक सत्याग्रह यज्ञ किया गया और आज दूसरा सत्याग्रह यज्ञ अभी किया गया पंचायत समिति में, और अगले शनिवार को भी पंचायत समिति में एक सत्याग्रह यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट में एक यज्ञ किया जाएगा। अगर तब तक भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम जयपुर भी कूच करेंगे। सूने मकान को रात्रि के समय निशाना बनाते हुए नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के मामले में जंक्शन पुलिस ने शनिवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमेश उर्फ अमन और अवतार सिंह उर्फ मोंटू के रूप में हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में ASI मघर सिंह, हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई और कांस्टेबल महंगा सिंह शामिल रहे। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ कर चोरीशुदा सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जंक्शन स्थित जाट भवन में शनिवार को महाराजा सूरजमल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि महाराजा सूरजमल जैसा रणनीतिकार, सेनानायक और योद्धा कोई नहीं हुआ है। विनोद झुरिया ने महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया।
वित्तीय साक्षरता केंद्र व जिला अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 8 से 12 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान बैंक शाखाओं, ग्राम पंचायत व स्कूलों में आयोजित शिविरों में अग्रणी जिला प्रबंधक बीएल मीना व वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता डीके शर्मा ने बैंकों की विभिन्न ऋण एवं जमा योजनाओं की जानकारी दी। काउंसलर डीके शर्मा ने आमजन को साइबर क्राइम से सचेत रहने के संबंध में सावधानियां भी बताई। अवध आसाम ट्रेन के पुनः संचालन की मांग को लेकर राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम के नाम ज्ञापन जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में स्टेशन अधीक्षक से अवध आसाम ट्रेन के बंद होने के कारण पूर्वोत्तर की ओर जाने वाले लोगों को हो रही असुविधा के बारे में बताया गया। समिति सदस्यों ने रेलवे वॉशिंग लाइन के निर्माण की मांग भी रखी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जंक्शन स्थित सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आमजन को यातायात के नियमों के पालन करने की सीख दी गई। कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 जनवरी से लगातार मनाया जा रहा है और 17 फरवरी तक ये चलेगा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की और जिला पुलिस की तरफ से अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें आज सरस्वती कॉलेज में नुक्कड़ नाटक, स्लोगन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हैं और इसमें बच्चों की सहभागिता हुई, उनकी जागरूकता बढ़ी और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो आगे भी जाके इसकी चर्चा करेंगे और लोगों को बताएंगे और सड़क सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों के दुर्घटनाएं कम से कम हो, लोगों के जीवन बचे, इसके लिए प्रयास रहते हैं और इसके लिए सारे कार्यक्रम हुए और इसमें आगे विनर्स का जो डिक्लेरेशन हो गया तो प्राइज 17 तारीख को ट्रैफिक पुलिस थाना हनुमानगढ़ में दिए जाएंगे। तो यह थी हनुमानगढ़ की कुछ प्रमुख खबरें। इसके साथ ही हम इस बुलेटिन को देते हैं विराम। क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जिले की अन्य सभी खबरें नाद न्यूज ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आप जो खबरें अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं वही खबरें आप देर शाम तक ही नाद न्यूज ऐप में पढ़ सकते हैं। तो अपने मोबाइल में नाद न्यूज ऐप इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हर पल जुड़े रहें नाद न्यूज ऐप के साथ।